अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शहबाज। आप प्रोग्राम देख रहे हैं वो क्या होगा। मेरे साथ है कैमरे पे वकास भाई। आप देख रहे हैं मेरी बैक साइड पे एक लोकेशन है जो कि एक साल पहले यहां पे हम शो बनाकर गए थे, 183 आपने देखा होगा। आज मैं एक मरतबा फिर यहां पे पहुंचा हूं क्योंकि हमारी एक सब्सक्राइबर है, एक खातून है जिन्होंने इसकी वीडियो हमें शेयर की, भेजी हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर और बताया कि यहाँ पर मैंने किसी को देखा है। वो बड़े शौक़ से ये शो देखती थी और जहाँ पर वो रह रही हैं वहाँ पे उनके घर के पास एक कब्रिस्तान है। लोगों ने काफ़ी इसे कहा कि जिन्नात और चीज़ें वगैरह दुनिया में होते हैं, तो ये यकीन नहीं करती थी और हर किसी से यही कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सुना ही है। मुझे तभी यकीन आएगा अगर वो क्या होगा कि टीम वाले मुझे साथ लेके जाएं। बड़ा इसरार किया उन्होंने कि मैंने जी आपको एक वीडियो शेयर की है इस लोकेशन के बारे में कि मैंने यहाँ पर कुछ देखा है। तो मैं पहले तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि ये लोकेशन कहाँ की और किस जगह की है। तो मैंने जब 183 शो अपना प्ले किया, ऑन किया, ऑन करके मैंने देखा और उसकी वीडियो जो मैंने खातून की देखी और मैच की, तो पता चला कि यही वो लोकेशन है जो कि एक साल पहले यहाँ पे हम शो बना के गए थे। काफ़ी हॉन्टेड जगह थी ये। अब इसके मामला तो ये हो गए हैं कि लोगों को खुलेआम नज़र आती हैं चीज़ें, आवाज़ें सुनाई देती हैं, बड़े तरह तरह के मामला थे यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो वो बड़ा इसरार कर रही थी कि मैं आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप पहले आप जब भी वहाँ पे जाएं तो मुझे आपने साथ लेके जाना है। जी ज़रूर आपको साथ लेके जाएंगे, लेकिन मैं इस वक्त दिन के टाइम इसलिए पहुँचा हूँ। मैंने असर से बात की कि मैं दिन के वक्त जाऊँगा, वहाँ के जो मामला थे मैं पहले जा के देखूँ, फिर यहाँ पर रात को 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद मेरी वो क्या होगा कि टीम यहाँ पर आएगी। तो चलते हैं, आपको इसकी घर की पहले बैक साइड दिखाते हैं कि मामला क्या है, क्या उस खातून की बात सच है, क्या उसने जो वीडियो भेजी है उसमें कुछ नज़र आया वो सच है या नहीं है। यही मैं जानने के लिए आज यहाँ इस लोकेशन पे पहुँचा हूँ। तो मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ पे इसकी बैक साइड पे। वकास आइएगा ज़रा। तो गाइस ये मकान है वो, 183 शो हम एक साल पहले यहाँ पे बनाकर जा चुके हैं। अब इसके मामला तो बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं, ये उसी तरह लोकेशन पड़ी हुई है, लेकिन इसके जो खौफनाक एरिया है वो बढ़ चुका है, लोगों का खौफ बढ़ चुका है ये। तो ये दिखाओ ज़रा वकास भाई, यही वो दरवाज़ा था जहाँ से हम बाहर निकले थे, हमें कुछ यहाँ अंदर नज़र आया था। ये दिखाओ यार, तो गाइस ये वही एरिया है इसकी बैक साइड का। इसके अंदर जब हम दाखिल हुए तो हमें कुछ फील हुआ था, कुछ नज़र आया था आज से एक साल पहले। अब देख लें इसकी सूरत हाल, इसकी लोकेशन देख लें, इसकी हालत देख लें, काफ़ी हॉन्टेड है, ख़तरनाक है, खौफनाक है, यहाँ पे खौफ ज़्यादा हो चुका है। तो मैं आपको उस साइड का एरिया भी दिखाता हूँ जहाँ से हम एंटर हुए थे। विकास आ गया हो, ये दिखाओ, अल्लाह अकबर। अब मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ जहाँ से हम एंटर हुए थे, अंदर हमें क्या मामला थे वो सारे पता चले थे। तो गाइस ये वो जगह है जो 183 शो हम एक साल पहले बनाकर गए थे। आज की इसकी सूरत हाल वो चेंज हो चुकी है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि यहाँ पे खौफ है, लोगों की जो बात थी वो सच है। क्योंकि ऐसा इस घर में क्या है, उसकी वजह ये थी कि अंदर जो मामलात हैं वो अब बाहर आ चुके हैं, ये पूरे बाग में लोगों को नज़र आती हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं, यहाँ पर आज तक कोई टिक नहीं सका। जब एक साल पहले हम यहाँ पर शो बना कर गए थे तब मामला थोड़े से ख़राब थे, अब उससे भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। विकास आ गया हो, ये दिखाओ,
अभी ऐसी जगह पे कौन रहना चाहेगा, कौन यहाँ पे आबाद होना चाहेगा, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे खौफ इस कदर है कि लोगों को अपनी जान की पड़ जाती है, घरों को छोड़ के चले जाते हैं, कोई रहना नहीं चाहता ऐसी जगह पे। तो अभी इसकी हालत ये है कि मुझे खुद थोड़ा सा खौफ आ रहा है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन ये वो दरवाज़ा है जहाँ से हम एंटर हुए थे। तो अंदर के जो मामला थे वो हमने आपको दिखाए थे। अब इस घर में ऐसा क्या है जो हमें यहाँ आने पे मजबूर हो गए हैं कि हम यहाँ पे आएँ, इन्वेस्टिगेशन करें और लोगों को दिखाएं कि यहाँ पे क्या मामलात हैं। तो समझ नहीं आ रही, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर ये घर को नहीं तोड़ा जा सकता या कोई यहाँ पे माली नहीं रह सकता तो इसकी वजह क्या थी। इसकी वजह यही थी कि जिन्नात नज़र आना, आवाज़ें सुनाई देना, चीज़ें नज़र आना, यही मामला थे इसके। तो अभी इसकी हालत बड़ी खस्ता हालत हो चुकी है क्योंकि ये दीवारें भी इसकी सड़ चुकी हैं, गल चुकी हैं, यहाँ पे इसके मामला काफ़ी ख़राब है। इसको क्या हो गया वकास? दरवाजा खुला है, कैसे हुआ है? अल्लाह अकबर, गाइस अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, अंदर से आवाज़ें आ रही हैं यार। ये दरवाज़ा खुला है, खुद ब खुद ही खुला है ये दरवाज़ा। तो गाइस ये पीछे चल, पीछे चल, पीछे चल, तो गाइस आपने देखा कि दरवाज़ा खुद ब खुद ही खुला है, अंदर से बर्तनों की आवाज़ें आ रही हैं, चीज़ें गिरने की आवाज़ें अंदर से आ रही हैं। नहीं वो अल्लाह अकबर यार, इस कदर मामला तो यहाँ पे ख़राब हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता मैं किस कदर यहाँ पे खौफज़दा हूँ। कि दिन के वक्त मैंने, मेरी ज़िंदगी में ये मेरा ख्याल पहला ये सीन होगा ये कि दरवाज़ा मेरे बोलते बोलते ये दरवाज़ा खुद ही खुला है और अंदर से बर्तनों की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे लगता है कि एक साल पहले जो मामला थे यहाँ पे अब उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। यहाँ पे लोगों की बात सच निकली है। पहले तो मैंने सोचा था कि ये वो खातून ऐसे ही बोल रही है, साथ जाने के लिए वो ज़िद कर रही है, इसरार कर रही है। तो लेकिन मुझे अभी यकीन हुआ ये दरवाज़ा ओपन होने के बाद कि लोग सच कहते हैं कि यहाँ पे ओपन ही चीज़ें नज़र आती हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं ओपन ही। अभी जैसे कि ये दरवाज़ा खुला है मैं आपको बता नहीं सकता मैं किस कदर यहाँ पर हैरान कुन हूँ। अभी गाइस मैं अंदर नहीं जाऊंगा, शायद कि आप मुझे डरपोक समझ लें, बुज़दिल समझ लें, आपकी बात मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तैयारी में नहीं हूं, मैं तैयारी में नहीं हूं, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता। अभी अंदर के क्या हालात हैं, मामलात हैं, वो मुझे नहीं पता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि रात के वक्त यहाँ पर आऊँ अपनी टीम के साथ, शायद कि ये वीडियो देखे उनको पता चल जाए कि वो जो हमारी एक सब्सक्राइबर थी, जो खातून थी जिन्होंने हमें बताया व्हाट्सअप पर कि यहाँ के मामलात बढ़ चुके हैं, ओपन ही चीज़ें नज़र आती हैं यहाँ पे, खुलेआम यहाँ पे उनकी आवाज़ें सुनाई देना, चीज़ें नज़र आना,
यही उनके मामला थे। ये दिखाओ वकास, अभी ये बस ये चीज़ें उड़कर आई हैं यहाँ पे। ओए मैं आपको बता दूं कि इस घर के पास एक कुआं है जो कि 60-70 फुट गहरा है। अभी ये इस घर के अंदर के हालात ये हैं, तो कुएं के पास क्या मामला तो होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। दरवाज़ा खुल जाना अपने आप और ये चीज़ें गिरती हैं, वो देखें वो भी गिरी है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ ये सारे मामला देख कर। यार मुझे ये बताओ वकास, हवा भी नहीं चल रही, कोई ऐसे मामला तो है ही नहीं है, तो दरवाज़ा कैसे खुल गया यार अपने आप। ये देखो यहाँ तो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आवाज़ें मैं नहीं अंदर नहीं जाऊंगा वकास, मुझे मैं तैयारी के साथ नहीं, तो मैं कैसे जा सकता हूँ अंदर। पीछे 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 ऐसे जैसे कोई भाग रहा है अंदर से। यार अंदर कोई भाग रहा है, बर्तनों की आवाज़ें आ रही हैं। अल्लाह अकबर, शायद कि मैं गाइस यहाँ पे दिन के वक्त ना पहुँचता तो मुझे ये मामला तो नज़र ही नहीं आने थे कि यहाँ पे क्या मामला तो हो रहे हैं। लोगों की बात सच निकली है कि यहाँ ओपन ही और यहाँ पे आवाज़ें सुनाई देना, चीज़ें नज़र आना। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि एक खातून जो हमारा शो देखती हैं उनको यहाँ पे चीज़ नज़र आई है, कैमरे में रिकॉर्ड हुई, उनके मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने हमें शेयर की है और इसरार किया है कि जी मैं ऐसी जगह पे आपके साथ जाना चाहती हूँ, आपके साथ हमारी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे साथ लेके जाएं। ठीक है जी, हम जैसे हमें मुनासिब लगा हम आपको ज़रूर लेके जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि वो कुआँ है सामने, अभी मैं उसके पास नहीं जाने वाला। उसकी वजह यह है कि मैं तैयारी के साथ नहीं हूँ। अब जब इस घर के ये ऐसे मामले आते हैं तो कुएं के पास कैसे मामले तो होंगे। तो मैं वकास को मुसीबत में नहीं डालना चाहता, क्योंकि मेरी तो बात चलो मैं वैसे ही यहाँ पे पत्थर हूँ कि मैं डरता भी हूँ या नहीं भी डरता, जैसा कि आप देखते हैं हमारा शो। तो ये थी इस घर की कहानी जो सुनाई मैंने अपनी ज़ुबानी। अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें शेयर करें और बताएं, हम वहाँ पे भी आपको लोकेशन पे पहुँच के सारे मालूमात दिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हॉन्टेड शो देखना चाहें तो हमारे शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लास्ट में बेल आइकन को बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप बड़ी आसानी से देख सकें। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अभी मैं यहां से जा रहा हूं अपनी पूरी टीम के साथ। यहां पे रात को 1 बजे या 2 बजे यहां पे मैं पहुंचता हूं और देखते हैं कि यहां के मामलात क्या हैं। अब उन खातून का भी मैं शुक्रगुजार हूं, अगर वो वीडियो हमें ना भेजती, हमें ना वॉइसें भेजती, मैसेज ना करती, तो शायद कि दिन के वक्त यहां पे आके जो जैसे कि ये दरवाज़ा खुला है, चीज़ें गिरना, अंदर से आवाज़ें आना और लोगों की जो बात थी
वो फॉलो मैंने की और यहाँ पे पहुँचा हूँ, ये मुझे सब पता ना चलता। मैं शुक्रगुजार हूँ उस खातून का, तो कोशिश करता हूँ कि उन्हें भी साथ लेके आएं यहाँ पे वो क्या होगा कि टीम में शामिल करके और रात को इन्वेस्टिगेशन करें और आपको दिखाएं वो क्या होगा। सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर हफ्ते एक हिला देने वाला हॉरर शो। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।